नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। जीत आपकी पार्ट एट कंटिन्यू करती हूँ। भरोसा। सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक नौकर, माँ बाप बच्चों, पति पत्नी, गुरु विद्यार्थी, खरीदने वाले बेचने वाले और ग्राहक सेल्समैन का रिश्ता। बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसा कैसे हो सकता है? भरोसे के संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई के संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जाता है। भरोसा इन बातों से पैदा होता है। विश्वसनीयता वचनबद्धता से जन्म लेती है। विश्वसनीय आदमी के बारे में पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्थिरता विश्वास बढ़ाती है। सम्मान खुद और दूसरों का सम्मान करने से इंसान का गौरव बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नज़रिया पैदा होता है। निष्पक्षता न्याय और निष्ठा के भाव को जगाती है। खुलापन दूसरों की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ साझेदारी की इच्छा दर्शाता है। समता। कथनी और करने में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे? क्षमता। काबिलियत और सेवा की भावना से जन्म लेती है। ईमानदारी विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति सुधार के प्रयास के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की ज़रूरत होती है। चरित्र किसी इंसान में कितनी ही योग्यता क्यों न हो, लेकिन वह चरित्रहीन है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साहस जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज़्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह, हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज़्यादा निकाल लिया है, मगर सच्चाई यह होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। खराब रिश्तों और भरोसों की कमी के कुछ नतीजे हैं। तनाव, खराब सेहत, आपसी संवाद की कमी, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, क्रोध, बददिमाग या संकुचित सोच, पूर्वाग्रह, टीम भावना का अभाव, आत्मबल का टूटना, अविश्वसनीयता, असहयोग का व्यवहार, आत्मसम्मान की कमी, टकराव, संदेह, मायूसी, उत्पादकता में कमी, उदासीनता, अकेलापन। जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। अच्छी शख्सियत बनने के तरीके। जिम्मेदारी स्वीकार करें। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है और यह उसकी समझदारी और परिपक्वता को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नज़रिए और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उनसे उसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का विकास होना चाहिए। इल्ज़ाम लगाने का खेल बंद करें या कहना छोड़ दें। हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वे लोग माँ बाप, गुरु, वंश,
ऊपर वाले भाग या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जिम्मेदार व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी में एक हद तक आज्ञा पालन की भावना न हो तो उसे उस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। जानी बोला, मम्मी जिम्मी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। माँ ने पूछा, उसने ऐसा कैसे किया? जानी ने उत्तर दिया, जब मैंने उस पर पत्थर फेंका तो वह झुक गया। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं। जिम्मेदारी के दायरे में सोच विचार कर काम करना भी शामिल है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। जरा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियां औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां। पुरानी भारतीय मान्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दूसरे परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आज़ादी हाथ में हाथ डाले चलती है। अगर अच्छे नागरिक की यह पहचान है कि वह अपना बोझ खुद उठाने को तैयार रहे। महानता की कीमत जिम्मेदारी समाजों की बराबरी चोर चक्कों की करतूतों से उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों के निकम्मेपन से होती है। कैसा विरोधाभास है, अगर अच्छे लोग निकम्मे बनकर बर्बादी सहते हैं तो वे अच्छे कैसे हो सकते हैं? सवाल यह है कि क्या वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? बुराई की जड़ जमाने के लिए इतना काफ़ी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। दूसरा कदम, औरों की परवाह। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा, 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा, 65 सेंट की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो कुछ देखा वह बात उसके मन को छू गई। वहाँ 10 सेंट टिप्स के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई थी। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों का ख्याल करें और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। सबकी जीत के बारे में सोचें। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में? उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ? सेंट पीटर उसे पहले नर्क में ले गए। वहाँ उसने एक बड़ा हाल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह के खाने की चीज़ें रखी थी। उसमें पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहाँ कोई हंसी खुशी न थी। उसने एक और बात गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थीं जिनसे वे मेज के नीचे पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहाँ भी एक बड़े हाल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरी तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे।
जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं, तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वह सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जाने कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना भी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नज़रिया झलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती, जितनी कि गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोलें, ना कि बोल के सोचें। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फ़र्क है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज़्यादा। एक बेवकूफ़ बिन सोचे समझे बोलता है। एक बुद्धिमान सोच समझ कर बोलता है। कड़वाहट भरे शब्द भरपाई ना किया जा सकने वाला नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि माँ बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उनके भविष्य को शक्ल देता है। मुँह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और सभी पंख थैले में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर लौटा तो पादरी ने कहा, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस ले सकते हैं? उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए शब्दों के चुनाव में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आलोचना और शिकायत ना करें। जब मैं आलोचना की बात करता हूँ तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों ना करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का होता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैक सीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए या हम सही आलोचना कर सकते हैं? सही आलोचना, रचनात्मक आलोचना कैसे दी जा सकती है? नीचे दिखाने के लिए बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना कीजिए। आलोचना करते समय हल पेश करना भी जरूरी है। व्यवहार की आलोचना करें, ना कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है। अगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा है तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन उसे आलोचना करने में मज़ा आने लगे तो आलोचना रोक देनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करने वाले आलोचना के बारे में सुझाव। कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। अगर हम किसी को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो इससे संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। हमारा नज़रिया सुधारने वाला होना चाहिए, ना कि सजा देने वाला। तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय आलोचना सीधे शब्दों में करें। घुमा फिराकर बात करना तकलीफ देह होता है। पहले असलियत
को जाने, बिना सोचे समझे हमें अपनी राय रखने का हक तो है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का हक नहीं है। आलोचना करने में जल्दबाजी न दिखाएं, शांत और दृढ़ रहें। आलोचना समझने के लिए करें, न कि डराने धमकाने के लिए। तीखा स्वभाव न अपनाएं, क्योंकि यह नाराजगी का निर्माण करता है। आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दें, उसे गलतियां सुधारने के फ़ायदे बताएं और गलतियां न सुधारने के नुकसान भी बताएं। किसी को उसके दोष बताने के बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए कहें। काम पर उंगली उठाएं, इरादों पर नहीं। अगर इरादों पर ही संदेह हो तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर होगा। काम की आलोचना करें, ना कि काम करने वाले की। आलोचना करते समय निजी नाराज़गी जाहिर ना करें, आलोचना के दायरे में ही सीमित रखें, इसे ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। आलोचना दवा देने की तरह है, दवा सही मात्रा में देना या लेना ही ठीक है। ज़्यादा देने से नुकसान होगा और कम का असर नहीं होगा। उसी तरह आलोचना भी दायरे में होनी चाहिए, सही ढंग किए जाने पर यह बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी दें। अपनी बात सकारात्मक रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। आलोचना स्वीकार करना। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फ़ायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वालों को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम ना तो कुछ करें, ना कहें और ना ही अपने पास कुछ रखें। लेकिन इस तरह हम आखिर में एक नकारा इंसान बन जाएंगे। गलत आलोचना इन दो वजहों से की जाती है। अज्ञानता। जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। जलन। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहाँ ना हो सकने की वजह से वह तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है, जिससे पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। एक और तरह के लोग भी होते हैं। इस वर्ग के लोग दूसरों की मदद करने के लिए तब तक तैयार रहते हैं जब तक कि वे खुद अपनी मदद करने लायक नहीं बन जाते। पर जैसे ही दूसरे लोग अपनी मदद खुद करने लायक बन जाते हैं, उनके पहले के मददगार ही उनकी ज़िंदगी को तकलीफ़ दे और मुश्किल बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में ऐसा होता ही है, पर कामयाबी हासिल करने के लिए हमें इन हालातों के बावजूद आगे बढ़ना होगा। मददगार से दुश्मन बन जाने वाले लोगों के व्यवहार में बदलाव की वजह जलन होती है। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत ना होना कमज़ोर स्वाभिमान की निशानी है। आलोचना को स्वीकार करने के लिए कुछ सुझाव। इसको सही ढंग से लें, इसे दरिया दिली के साथ स्वीकार करें, ना कि मनमुटाव के साथ। इसको खुले दिमाग से आंकें और वह सही लगती हो तो उसे कबूल करें, उससे सीखें।
और उस पर अमल करें। बचाव की कोशिश मत करें। रचनात्मक आलोचना को तत्काल खुले मन से स्वीकार करें, क्योंकि इसलिए कि ऐसा करके हम अपने आलोचक का मुंह बंद कर देंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह झुंझला जाएगा और आइंदा हमारी रचनात्मक आलोचना नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके को एक चाल के रूप में अपनाते हैं तो हमें उसका फ़ायदा केवल एक बार मिलेगा, पर ईमानदारी से अपनाने पर उसका लाभ बार बार मिलेगा। उस इंसान के शुक्रगुजार हो जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वह हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनता है, ना कि खराब। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। शिकायतें, कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है, उनके लिए हर दिन खराब है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो भी वे शिकायतें करते हैं। शिकायतें करना अच्छा क्यों नहीं है? 50% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमको कोई समस्या है, और 50% लोग इसलिए खुश होते हैं कि हमको कोई समस्या है। फिर शिकायत करने से फ़ायदा क्या है? इससे कोई नतीजा नहीं निकलता, यह शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। क्या इसका यह मतलब हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या दूसरों को शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए? हरगिज नहीं। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफ़ी उपयोगी भी हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायत यह दिखाती है कि शिकायत करने वाला परवाह करता है। जिससे शिकायत होती है उसे सुधार का दूसरा मौका मिलता है। मुस्कुराएं और दयालु बने। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल करती है, देने वाले का कुछ घटता नहीं। यह क्षणिक होती है, लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह सकती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फ़ायदों को ना पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुए के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी है, उदास के लिए सुनहरी धूप है, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा। तब भी ना तो यह भीख में ना खरीदने से, ना उधार मांगने से और ना चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जो तब तक किसी काम की नहीं जब तक आप इसे किसी को दे ना दें। दिन भर की भाग दौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके हों कि मुस्करा ना सकें, तो उन्हें अपनी ही मुस्कान दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि उसे, जो खुद किसी को अपनी मुस्कान ना दे सके। खुश मिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली हो। त्योरियाँ चढ़ाने में मुस्कराने से ज़्यादा मांसपेशियाँ खिंचती हैं, इसलिए त्योरियाँ चढ़ाने से मुस्कराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के। हम मुस्कराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग
एक भ्रम के शिकार हैं। वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ़ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर, ऐसा कितनी बार होता है कि हम फ़ोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से दो दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बात हमारे मन में यह आती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, या उन्होंने मेरी परवाह नहीं की, या नकारात्मक सोच है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर ना मिला हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें ना मिला हो, उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ दे दें और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी, और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। अच्छे श्रोता बने। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे कि बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफ़ी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफ़ी मूल्यवान होता है। खुद से ये सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने लेकिन वे सुनने से ज़्यादा बोलें, हमारी पहली बात पर ही वे असहमत प्रकट करें, वे हमको हर कदम पर टोकें, वे बेसब्री दिखाएं और हमारे हर वाक को खुद पूरा करें। वे शरीर से तो मौजूद हों लेकिन उनका दिमाग कहीं और हो, वे सुने लेकिन समझे नहीं, हमको हर बात 3 बार दोहरानी पड़े क्योंकि वे हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। वे ऐसे नतीजों पर पहुँचे जिनका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वे ऐसे सवाल पूछे जिनका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता नहीं है। वे बेचैन लग रहे हों और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों पर ना तो ध्यान दे रहे हों और ना उन्हें सुन रहे हों। ये सभी बातें इस बात को दिखाती हैं कि उस इंसान को हमें या बातचीत के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं और उसमें शिष्टाचार का अभाव है। क्या खुद को अनसुना महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाले भाव को ये बातें दर्शाती हैं? तिरस्कृत करना, अस्वीकृत, निराश, मायूस, नीचा महसूस करना, परेशान, बेवकूफ़, अनुपयोगी, महत्वहीन, छोटा, उपेक्षित, व्याकुल, प्रेरणाहीन, हताश। अब इसका दूसरा पहलू देखें, हमको कैसा महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और वह बातचीत का माहौल आरामदेह बनाता है, सारा ध्यान हमारी तरफ लगाता है, ज़रूरी और विषय से जुड़े सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दे में दिलचस्पी लेता है। अपनी बात ध्यानपूर्वक सुने जाने पर क्या हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आगे लिखा? महत्वपूर्ण, सुख, संतुष्ट, उपयोगी, उत्साहित, अच्छा, प्रसन्न, प्रशंसित, प्रेरित, ख्याल रखा गया। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनने से ये रुकावटें आती हैं। बाहरी रुकावटें, भौतिक बाधाएं, शोर, थकान, अंदरूनी रुकावटें, किसी और बात के ध्यान में लीन होना या सोच का भटकना, मन में पहले से ही बैठी धारणा और राय, बोलने वाले और उसकी बातों में दिलचस्पी न होना, कुछ बौद्धिक रुकावटें भी हो सकती हैं, जैसे कि भाषा की समझने की आदि। दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद एक अच्छा श्रोता बने। हमारे सुनने ढंग से पता चलता है कि कितनी परवाह करते हैं हम। जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाले नज़रिया दिखलाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वह महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार होता है। खुले दिल वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला भी होना। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरों को बोलने के लिए उत्साहित करें, सवाल पूछें, यह हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट न डालें,
विषय न बदलें, सम्मान और समझ का भाव दिखाएं, ध्यान से सुनें, इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें, अपने आप को दूसरों के स्थान पर रख कर देखें, खुले विचारों वाला बने, अपनी पहले से बनी धारणाओं और राय को अनसुने में बाधा राय को अपने सुनने में बाधा न बनने दें, संदेह पर ध्यान दें ना कि कहने के सलीके पर, शारीरिक हरकतों की भाषा को पहचानें, जैसे कि चेहरे पर आने वाले भाव, नज़रों की भाषा, हो सकता है कि ये अभिव्यक्तियाँ कोई अलग ही संदेश दे रही हों, भावों को समझें ना सिर्फ शब्दों को सुनें, बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह आत्मविश्वास, आत्मबल और वफादारी को बढ़ाता है, यह अमूल्य है। उत्साह एक से दूसरे में फैलता है। हम किसी व्यक्ति के बात करने, चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है, इसे अपनाया जा सकता है और इसका अभ्यास किया जा सकता है। कई दशक पहले चार्ल्स श्वाब, जिसकी सालाना तनख्वाह 10 लाख डॉलर थी, से एक बार पूछा गया कि क्या वह स्टील बनाने के अपनी विशेष योग्यता की वजह से इतनी तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों का उत्साह बढ़ाने की योग्यता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और किसी व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का तरीका प्रोत्साहन और प्रशंसा है। जब तक जिंदगी है, जिंदा दिली से जिएं, मौत आने से पहले ही मुर्दा ना बने। उत्साह और इच्छा साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। सिर्फ एक डिग्री के फर्क से पानी भाप बन जाता है और भाप बड़े से बड़े इंजन को खींच सकती है। उत्साह हमारी जिंदगी के लिए वही काम करता है। ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफ देह हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफ़ी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय न दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज़्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफ़ी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। थैंक यू सो मच।